वेलकम टू करंट लेट्स स्टार्ट टुडे जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फोर ठीक है करंटली हम नितिन सांगवान सर का पेपर बी कवर कर रहे हैं पेपर ए कंप्लीट हो गया है अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है नितिन सांगवान सर के नाम से नितिन सागवान सर एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर ए तो वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं पेपर बी हम लेटेस्ट एडिशन से कर रहे हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पी अपलोड करती हूँ जैसे हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर हो गया है पेपर ए का तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा ठीक है तो इस फर्दर इस चैनल में और क्या आपको देखने को मिलेगा इग्नो का जो भी मटीरियल आपके सोशोलॉजी एग्जाम से रेलेवेंट है यूपीएससी सोशोलॉजी से तो उसके वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी एंड सेकेंडली हम पी वाई भी डिस्कस करेंगे और विजन आईज की जो मॉडल आंसर्स होते हैं चेकड आंसर कॉपीज आपके टॉपर्स की उनपे भी मैं वीडियोज है सेपरेट वीडियोज लेके आऊँगी तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना पॉसिबल हो सके आपके मेल्स का कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली दिस इज माय ईमेल आईडी आई डी करंट क्रंच फोर वन वन एट जी डॉट कॉम ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का चैप्टर विच इज आज का टॉपिक विच इज ए लुई डिमोन्स पर्सपेक्टिव इन सिस्टम फाइन तो कास्ट सिस्टम हमारा बिगनिंग हो गया इसका ओरिजिन थ्योरीज वगैरह वो सब डिस्कशन हो गया अब करंटली हम पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं पर्सपेक्टिव में हमने जीएस गुर कर लिया है एंड आपका एम एन श्रीनवास वो भी कवर हो गया है आज हमें देखना है लुईडम पर्सपेक्टिव लुई डिमोन का नाम रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम इससे पहले भी वीडियोज में मैंने बोला है तो इनके साथ हम एसोसिएट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन ठीक है जो इन्होंने अपनी बुक में लिखा था होमो होमोहरकस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो जो आपको याद रखनी होंगी ठीक तो देखते हैं लुइड वर्क हो, आ, होमो होमोहरिक उसमें क्या किया था इन्होंने सिंथेसाइज किया था दो चीजों को मैक्रो कॉन् पर्सपेक्टिव ऑफ दुरी घुरी सॉरी मैक्रो थी या मैक्रो व्यू माइक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ गुरिये विथ माइक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ द इम्पेरिकल स्टडीज तो गुरिये जो है वो बेसिकली क्या थे वो आपके इंडोलॉजिकल ये थे स्कॉलर थे तो इन्होंने एक बुक व्यू या टेक्सल व्यू जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया था एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज कहीं जाके जाने विज को खुद से स्टडी किया है तो इस वजह से इनको बोलते हैं इन्होंने कंबाइन किया है टेक्स्ट विद कॉन्टेक्सट कभी हो सकता है एग्जाम में जैसे आपको डायरेक्टली आ जाए टेक्स्ट विद कॉन्टेक्ट जो है इन्हें कंबाइन कैसे किया लुई डिमोन ने तो इसीलिए इन सब चीजों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो उनकी थ्योरी ऑफ कास्ट हायरार्की जो है इट लोकेट्स इज बेसिस इन द And and थेरी दी थी थे तो इन्होंने कहा था चीजें बाइनरी मीन्स टू इतना तो आपको पता है तो चीजें जो है सोसाइटी में वो बाइनरी ऑपोजिट फॉर्म में है फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी तो टेक्नोलॉजी वर्सेज ह्यूमैनिटी ये दो चीजें सोसाइटी में चलती है ये एज वर्सेज मच्योरिटी तो इन्होंने लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहता है बाइनरी टर्म्स में इन्होंने सोसाइटी को जो है वो देखने की एनालाइज करने की कोशिश की थी इसी बाइनरी टर्म को बाइनरी कॉन्सेप्ट uh, को यूज किया लुई डुम और उन्होंने इसको अप्लाई किया कास्ट सिस्टम में तो इन्होंने दो उन्होंने बा, बाइनरी में दो चीजें रखी एक आपका प्योरिटी आ गई एंड एक आपका पोल्यूशन आ गया कि जो आ, हाई कास्ट है सो कॉल्ड हाई कास्ट वो रिचुअली प्योर कंसीडर की जाती है ब्राह्मण और जैसे ही आप फिर नीचे नीचे वाली कास्ट में आते हो एंड लोवेस्ट तक पहुंचते हो वहां पे इम्प्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और जो ब्राह्मण्स के रीति रिवाज है वो इन्होंने रिलेट किए थे प्योर चीजों से प्योरिटी से एंड जो लो कास्ट सो so और लो कास्ट के कल्चर वैल्यू कस्टम्स है वो इन्होंने रिलेट किए थे किस चीजों से इम्प्योर या पॉल्यूटेड चीजों से ही बॉरवुड थियोरटिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम लेवी स्ट्रॉस ठीक है विच कॉल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन बाइनरी ऑपोजिट्स और अपलाई किया इसको इंडियन कॉन्टेक्स में as caste is about the opposition of pure and impure, ठीक है डीपली influenced by ब्स कल्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ कास्ट बोगल्स हमने कल भी पढ़ा था इनका तो इन्होंने क्या कहा था कास्ट को आप कैसे एट्रीब्यूट करते उनके साथ क्या एट्रीब्यूट आप रिलेट करते हो हेरिडिटी एंड ऑक्यूपेशन हेरिटी ठीक है और उनका आइडिया की जो डिविजन ऑफ लेबर कास्ट में वो इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं

ठीक है तो क्षेत्रियास को देखा जाता है वो ब्राह्मण से कितने पीछे हैं ब्राह्मण्स के कंपैरिजन में वो उतने लोअर है ठीक है अदरवाइज वो ठीक पोजीशन पे है वेशास जो है वो ब्राह्मण्स के कंपैरिजन में कितने लोअर है इस वजह से उनको उस उतना उस इंटेंसिटी का या उस अमाउंट का लोअर माना जाता है बट अदरवाइज वेशिया कास्ट वाले लोग भी ठीक एफ्लुएंट सेक्शन वाले लोग होते हैं फाइन ये इसका मतलब है एंड हर कास्ट जो है वो अपनी बाउंड्री जो है वो मेंटेन करता है इसी वजह से स्ट्रक्चर जो है अभी तक स्टेबल रहा है ठीक तो ही कंडेंस द थ्री कोर फीचर्स ऑफ द एट्रिब्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ बोगल्स इनटू वन एंड ऑल एंड कंपैसिंग प्रिंसिपल ऑफ कास्ट एज एन आइडियोलॉजी ऑफ सेपरेशन प्योर एंड प्योर एंड इम्प्योर तो बोगल्स ने क्या कहा था हायरिक ऑक्युपेशन एंड योर हेरिडिटी उसको उन्होंने कंबाइन करके एक ही एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो आपका रिलेटेड है प्योर एंड इम कॉन्सेप्ट से तो ये सारी जो चीजें हैं बीच में जो हमने पढ़ी हैं ये किसे हैं ये बोगल ने बोली थी और जो हमारे ये थे मॉ वो इन चीजों से काफी इन्फ्लुएंस थे तो उन्होंने व्यू किया था कास्ट को आप बोल सकते हो एज एज फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल परसपेक्टिव के आइडियाज से रिलेट किया था ठीक है कि उसे कुछ वैल्यूज़ होते हैं बिलीफ होते हैं और सिर्फ एक जैसा एम्पेरिकल रियालिटी नहीं है कि जो चीज़ बस स्ट्रक्चरली एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में उन्होंने उसके व्यूज ट्रेडिशन बिलीफ वैल्यू सबकी बात की थी लुई डिमो ने कंस्ट्रक्ट किया था टेक्चुअली इन्फॉर्म्ड इमेज ऑफ कास्ट विच अकॉर्डिंग टू हिम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस विद डुअल फोकस ऑन आइडियोलॉजी एज वेल एज स्ट्रक्चर तो ये जो स्टेटमेंट है ये सारा जो इनका आइडियोलॉजी है उसको डिफाइन करता है इंडोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस भी इंडोलॉजिकल क्योंकि पहले ही उन्होंने बोला उन्हें गुरिये से भी वो इन्फ्लुएंस थे बाद में उन्हें फोकस किया उसके स्ट्रक्चर पे भी कैसे मेंटेन रहता है क्योंकि उन्हें बोगल्स का वो वाला पॉइंट भी लिया था कि ये जो है अपनी बाउंड्री मेंटेन करता है फाइन एंड एक आइडियोलॉजिकल परस्पेक्टिव क्योंकि उन्हें कल्चरल व्यू ऑफ जो है कास्ट उस पर ध्यान दिया था और स्ट्रक्चरल अप्रोचेस की स्ट्रक्चर सोसाइटी में एज अ स्ट्रक्चर ही कैसे मेंटेन करता है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम को तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है उन्होंने कहा था कास्ट इंटेग्रेटिव रोल प्ले करता है इंडियन सोसाइटी में कास्ट को वो देखते थे इन टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज ठीक है दैट मीन्स आइडियोलॉजी जो यूनिक है टू द इंडियन सोसाइटी ओनली हैडियोलॉजी है, है, काम्पेरिजन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी का एक पेक्यूलर या यूनिक फीचर है उन्हें आग्यू किया था कि जो हायरिकी है वो स्टेटस की होती है ठीक, ते 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 तो उन्होंने पावर एंगल भी लाया था इसमें

जैसे कि जे एस गुरिये ने भी कहा था कॉमन सेलिटी वाला रूल ठीक है एंड मैरेजेस भी एंडोगेमस मैरिजेस होती हैं सोशलाइज भी अपने कास्ट के लोगों के साथ ही करते हो अकॉर्डिंग टू डुमो थ्री एलिमेंट्स आर सेंट्रल कास्ट सिस्टम थ्री एलिमेंट जो सेंट्रल टू द कास्ट दे आर डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, उसमें वो होता है सुपेरिटी ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, एक तो काम होता है प्योर एंड इम्प्योर के बेसिस पे डिवाइड करते हो फॉर एक्जाम्पल प्रेयर एंड ऑल ये किसका काम है ब्राह्मण्स का है, प्योर माना जाता है अब लो मीनियल जॉब्स है स्केवेंजिंग वगैरह वाला काम तो ये प्योर नहीं माना जाता है तो ये किसका काम है लो कास्ट का काम है तो एक डिविजन ऑफ लेबर हो गया ऑन द बेस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सुपिर ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर ठीक है आप किसको प्योर सुपीरियर मानते हो प्योर को एंड सेपरेशन ऑफ द टू की जो दो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं दीज यूनिक कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट हेरारे के अकॉर्डिंग टू डूमो ये ऑब्जर्व की जाती है इन द स्क्रिपचुअल फॉर्मुलेशन एज वेल एज इन एवरी डे लाइफ ऑफ ऑल ठीक है हिंदू स्क्रिप्चुअल फॉर्मुलेशन में भी आपको मिलेगा और आपको ये जब एम्पेरिकल रियालिटी आप हिंदूज की देखोगे वहां पर भी आपको मिलेगा तो ये जो कंटेंट है यहाँ पे किस चीज में आपको काम आएगा अगर क्वेश्चन आता है कैसे उन्होंने कंबाइन किया टेक्स्ट विद कॉन्टेक्स्ट को तो ये चीजें भी आप लिख सकते

जो क्शनल अप्रोच है टू कास्ट एज यूज बाई सोशलॉजिस्ट लाइक बेते बेटे बेते जो हमें आगे पढ़ना है draws to the कहा था आपके लुई है तो जो उन्होंने अप्रोच यूज किया था आंद्रे बेते ने वो क्या करता है वो अटेंशन ड्रॉ करता है टूवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट लेकिन जो लुई डे वो ज्यादा किस पे फोकस करते थे कल्चरल आस्पेक्ट पे कॉन्ट्ररी टू दर्सपेक्टिव ऑफ ऑंद्रे बेते डुमो ने क्या कहा था जो कास्ट है ये सेट ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड किनशिप सिस्टम्स है विच आर सस्टेन बाई सर्टन वैल्यूज विच आर मोस्टली रिलीजियस और कल्चरल इन नेचर तो कल्चर पे इनका ज्यादा फोकस था तो इन्होंने कहा हाँ कास्ट में रिलेशनशिप्स आप देखोगे पॉलिटिकल भी देखोगे किनशिप्स भी देखोगे या इकोनॉमी भी देखोगे लेकिन वो सारी चीजें कौन डिटरमिन करेगा आपका रिलीजन और कल्चर जैसे इन्हें एग्जाम्पल दी थी, थी जजमानी सिस्टम की जजमानी सिस्टम आपका इकोनॉमिक सिस्टम है लेकिन वो कौन इट वॉज गाइडेड बाई योर कास्ट स्ट्रक्चर क्योंकि जो जजमान थे वो हाई कास्ट के ही लोग हमेशा माने जाते थे फॉरन इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट जो आइडियलॉजी है सपोर्टिंग इट इज ऑफ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस फॉर दी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट ठीक है एंड द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ टूडे तो डिमॉक कल्चर एंड ट्रेडिशन ओवर दी अबो सेक्यूलर मार्कर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी फाइन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उनके लिए आपके वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशन लेकिन जैसे हम एम एन श्रीनवास की बात करें तो उन्होंने सेक्युलर से आपकी वेल्थ एजुकेशन ठीक है इन चीज को भी लेके इनकम इन चीज को भी लेकर इन्होंने क्या किया था कास्ट की बातें करी थी कि से, सेक्युलर हेरारिकी भी प्रेजेंट होती है और अकॉर्डिंगली अगर अपनी सेक्युलर हेरारिकी को बेटर करोगे आपकी रिचुअल हेरिकी में भी आपकी पोजिशन इंक्रीज हो जाएगी तो इन सब चीजों से भी आप डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हो ना क्योंकि एग्जाम में कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्ररी वाले क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट डुमो हैज मेड एन इनसाइसिव स्टेटमेंट अगेंस्ट द यूज ऑफ यूनिवर्सल स्टार्टोफिकेशन मॉडल फॉर कास्ट ठीक है तो वो कास्ट के लिए यूनिवर्सल स्टार्टोफिकेशन मॉडल सजेस्ट नहीं करते थे और यही बात इन्होंने अपनी होमोहरारिक लिखी थी यह कहते थे जो कास्ट है इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टार्टोफिकेशन लेकिन फॉर्म ऑफ आइडियालॉजी है दैट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी एंड हैरारिकी विथ देंट्रल टेन ऑफ द सिस्टम ठीक है इनके लिए जो इंडियन कॉन्टेक्स था ऑपोजिशन ऑफ इक्वालिटी क्या आती है हायरिकी क्योंकि हायर क्या रिप्रेजेंट करती है किसी चीज की इनइक्वालिटी इक्वालिटी डुमो ने डिफाइन किया था हायर को एज अ प्रिंसिपल बाय जो एलिमेंट्स ऑफ होल हैं आर रैंकड इन रिलेशन टू द अदर ठीक है आप क्या करते हो हायर में जैसे ब्राह्मण्स को क्षेत्रियास को आप रैंक करोगे इन रिलेशन टू ब्राह्मण वो दूसरे नंबर पे हैं फिर उनको क्षेत्र को रैंक करोगे इन रिलेशन टू वो थर्ड नंबर ब्राह्मण से दो स्टेप नीचे आते हैं तो ये इनके लिए क्या थी हायरार्की थी तो अगर हायरार्की एग्जाम में अलग से आ जाए वहां पर आप क्या कर सकते हो डुमो की भी डेफिनेशन हायरार्की की लिख सकते हो इन अर्जिंग द रिलिवेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की डुमो ने कहा था कि इट इज हाउ एलियन इट इज टू द मॉडर्न मेंटेलिटी मॉडर्न के लिए इट इज एन एलियन क्योंकि आपकी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इंडिविजुअलिस्टिक है एंड सोसाइटी है एज कम्पेयर ओल्ड ओल्डर सोसाइटी जो क्या है है एंड कलेक्टिव है एंड उन्होंने क्या किया था रिजेक्ट श्रीनिवास का आइडिया की जो कास्ट हायर है इसमें रिचुअल एंड सेक्यूलर स्ट्रीम्स होंगी और जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करेंगी जैसा कि मैंने अभी भी कहा एम एन श्रीनिवास का एक कॉन्सेप्ट था हमने डिस्कस कर लिया है पुराने वीडियो में अकॉर्डिंग टू रिचुअल है वो हमेशा डोमिनेट करती है सेक्युलर हाआरकी को ठीक है लेकिन एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा था सेक्युलर स्टेटस को अगर आप इंप्रूव करोगे आपका रिचुअल स्टेटस अकॉर्डिंगली इन ए जनरेशन टू इंप्रूव हो जाता है डिविजन ऑफ लेबर जो है वो कल्चरली डिफाइंड होता है कास्ट सिस्टम एंड नॉट बाय इकोनॉमिक नीड्स ये हमने बताया डुमो ने एनालाइज किया था कास्ट को इन चेंजिंग टाइम्स आल्सो एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है कास्ट का वो चेंज नहीं हुआ है देयर इज चेंज इन सोसाइटी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया हो सोसाइटी में लेकिन नॉट चेंज ऑफ सोसाइटी दैट मीन जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो वैसा ही है अभी भी हम चार कास्ट ही बताते हैं वरना सिस्टम में एंड एक कास्ट जो है वो अवरना है दैट इज आउटसाइड द एमबेट ऑफ कास्ट सिस्टम तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी यही रहा है हाँ इसके बीच में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी ये किसने कहा था लुई सिग्निफिकेंट चेंज जो हुई है दैट ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस जो थी कास्ट सिस्टम पे उसको अब रिप्लेस किया गया है बाय कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट पहले क्या थे जैसे एक दूसरे पे कास्ट डिपेंड भी करती थी काम के लिए अब ब्राह्मण्स पे डिपेंड करते थे पाठ पूजा के लिए वो शूद्रास पे किसी काम के लिए एंड देन uh, वॉरियर्स पे आपके क्षेत्रियास पे किसी काम के लिए डिपेंड करते थे अब सबस्टेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट हो गई है अब कास्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई जब आप किसी चीज को सब्सटियल बताते हो दैट मीन्स उसकी एसेंशियलिटी उसकी इम्पोर्टेंस उसका सेल्फ सफ़िशिएंस वो बढ़ गया है तो कास्ट सिस्टम अब एसर्टिव हो गया है ये इनका कहने का मतलब था डुमॉन्स पर्सपेक्टिव इन कास्ट रिवॉल्व अराउंड सिंगल प्रिंसिपल ऑफ एन ऑल इनकम पैसिंग बेस्ड ऑन प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन ठीक है और इस ओवर रिलायंस पे एंड दिस ओवर रिलायंस ऑन ए सिंगल प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन इसकी अपनी लिमिटेशंस थी क्योंकि अभी आप देखो हमने सारा किस अराउंड चल रहा है कल्चर प्यूरिटी पोल्यूशन तो ये ओवर रिलाई इन्होंने करा था सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के बार बार बोल रहे थे क्रिटिक्स ने अप्रोच किया कहा कि क्वेश्चन किया इसकी इनकी अप्रोच को का इज टू टेक्सुअल ऑंद्रबिता ने आंद्र uh, ने कॉमेंट किया कि उसकी जो व्यूज है वो मेनली फोकस करती है बट कास्ट ऑट टू बी एंड नॉट वट कास्ट टूडे इज कि कास्ट क्या हो सकती है एंड ये नहीं कि कास्ट एक्चुअली क्या है तो कॉन्ट्री टू हिज कि वो वो पे 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 भी उन्होंने काम किया उनका जो वर्क था वो किस पे बेस था ज्यादा किस आपके इमेज क्योंकि हिस्स कास्ट ऑट टू बी क्या होनी चाहिए एंड नॉट बट कास्ट टू इज इस बारे में उन्होंने बात नहीं करी है ज्यादा सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण जैसे उन्होंने कहा था उसको भी क्लेम किया है बाकी सोशोलॉजिस्ट ने वो हम आगे भी देखेंगे अभी जो हमें आंध्र पढ़ना है बेटे ने कहा था कि Uh, उन्होंने एनकरेज किया था कास्ट व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी को जिरल डी बर्मन ने रिजेक्ट किया इनका आइडिया ऑफ इम्प्योरिटी और पोल्यूशन एंड साइट एन एग्जाम्पल ऑफ फुट हिल्स ऑफ हिमालिया जहाँ पे पीपल नेवर ने कंसिडर देम सेल्स इम्प्योर इन टर्म्स ऑफ मैनरिज्म फूड हैबिट्स एट्सट्रा ठीक है तो फुट हिल्स ऑफ हिमालियाज आपका नॉर्दर्न पोर्शन वहाँ पे लोग खुद को इम्प्योर नहीं कंसिडर करते थे बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट्स या उनके कस्टम्स की वजह से अकॉर्डिंग टू हिम जो कास्ट है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डोमिनेशन एंड सब डोमिनेशन ये गिरल जी डी बर्मन का कॉन्सेप्ट था तो ये इनके थोड़े क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स डुमो ट्राई टू तो रिप्रेजेंट कास्ट एज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट तो उन्होंने क्या किया था कास्ट को एक स्टैटिक बताया था और इंडियन सोसाइटी को एस टेग्नेटेड सोसाइटी बताई थी ठीक है तो बर्मन ने क्रिटिसाइज किया डुमोंग के नोशन को कि पावर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम कास्ट इस चीज को फर्दर इलेबोरेट किया था ऑन रिबिते ने जो आप आगे देखोगे कैसे दिपिंग दिपिंग दीपांकर गुप्ता स्टडी ऑफ जाट्स इन नॉर्थ इंडिया इंडिकेट कि जो जाट्स हैं वो कंसिडर करते हैं ब्राह्मण्स को एज आइडल मतलब कुछ को कोई काम नहीं करने वाले लेजी ग्रीडी कॉन्ट्री टू डिमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्राह्मण एस प्योर सीक्रेड एंड हाईली प्लेस्ड तो दीपांकर गुप्ता ने जो स्टडी की थी उन्हें कहा था जो जाट्स थे नॉर्दर्न इंडिया के वो ब्राह्मण्स को एस प्योर नहीं मानते थे बल्कि उनको आइडल लेजी एंड ग्रीडी मानते थे उनके जो क्रिटिक्स है उसको कंपेयर किया जाता है मनु से जो फर्स्ट ह्यूमन है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी ठीक है तो उनके जो उससे उनके बिलीफ से कंस, उनको इक्वेट किया जाता है उनकी राइटिंग्स को और बोला जाता है होमो होमोहरैरिकस एक नई मनुस्मृति है जो बेसिकली उन्हें क्या किया है सिंपली टेक्सुअल इमेज को रिप्रोड्यूस किया है का इंडियन का सिस्टम की योगेंद्र सिंह ने उनको अक्यूज किया बींग ऑब्सेस्ड विद द इंटीग्रेशनल आस्पेक्ट ऑफ द कास्ट क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कास्ट सिस्टम का एक इंटीग्रेटिव फैक्टर है सोसाइटी में रोल प्ले करता है क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू से भी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हीरा सिंह इन रिक्रिएटिंग कास्ट डुमो की जो अप्रोच थी इट इज ओवरबर्डन विद रिलीजन एंड ऑल्सो फेल टू सीट कास्ट वॉज ने रिजिड फिक्स एंटिटी इवन इन एंशंट इंडिया ये चीज़ भी हमने पढ़ ली है कि अर्ली वैदिक में वो जो कास्ट था ओपन था और वहाँ पर मोबिलिटी वॉज क्वाइट पॉसिबल एंड टूवर्ड्स लेटर वैदिक इसने एक रिजिड फिक्सड स्ट्रक्चर जो है वो ले लिया था डिस्पाइट न्यूमरस क्रिटिसम यहाँ पे दो तीन लाइन इनकी तारीफ की जैसे मैंने हमेशा कहा आपको कंक्लूजन में एक पॉजिटिव नोट पे आंसर करना होता है एंड अपना कास्ट सिस्टम इज यूनिक एंड प्रोवोकिंग इनका जो अप्रोच था वो यूनिक एंड प्रोवोकिंग था इंडियन सोशोलॉजी वुड नेवर है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुड है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमो टी एन मदान ने कहा था इन्होंने रिजिविनेट किया कल्चरल डायमेंशन ऑफ कास्ट को क्योंकि इसी बारे में इन्हें ज्यादा बात की उस टाइम पे जब फील्ड स्टडीज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड मार्क्स वर रूलिंग द रूस उन्होंने थोड़ा क्या किया कल्चरल डायमेंशन को भी रिजिविनेट करने की कोशिश करी तो ये थोड़ा बहुत इनका लुइडमोका सारा यहाँ पे क्या इन्होंने बोला एंड कैसे ये अलग थे ऑन्ध्रपिते से भी एंड एम एन से एंड इनका टेक्स्ट विद कॉन्टेक्स्ट वाला ये भी हमने पढ़ लिया ठीक है तो अब पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम देखते हैं ये कंटेप्ररी कंटेम्प्ररी थे डुमोंग के उसी टाइम पे काम कर रहे थे लेकिन इनकी जो अप्रोच थी वो उनसे काफी अलग थी वाइल्ड अप्रोच जो थी ये रूटेड थी किसमें कल्चरली इन्फॉर्म्ड इमेजरी ऑफ कास्ट इसी पे ही बिलीव करते थे छत्रपति की जो अप्रोच थी उसको बोला जाता है इंटरक्शनल अप्रोच रादर देन अ यूनि डायमेंशनल अप्रोच कास्ट ठीक है क्योंकि उन्होंने मल्टीडाइमेंशन एनालिसिस दिया कास्ट को उन्हें कास्ट को सोशल सिस्टम बताया कास्ट में क्या चेंजेस आती हैं वो चीजें भी बताई और उन्होंने अलग अलग एंगल से कास्ट को जो है वो एनालाइज करने की कोशिश की उन्होंने कास्ट क्लास की बात भी की इकोनॉमी की बात भी की पावर की बात भी की इसलिए इनकी अप्रोच को मल्टी मल्टीडायमेंशनल अप्रोच बोला जाता है तो ही स्टार्टेड हिस्लिस ऑफ कास्ट फ्रॉम दिकल फील्ड स्टडी ऑफ थ्री डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स आपके ब्राह्मन नॉन ब्राह्मन एंड आदि द्रविदास आदि द्रविदास कौन से होते हैं बेसिकली आपके तमिलनाडु के परियार कम्युनिटी के है ठीक है तो वहाँ की सोकर लो कास्ट कम्युनिटीज को बोला जाता है और इन्होंने बोला था एक्चुअली यही ओरिजिनल नेटिव इनहैबिटेंट्स थे उस जगह के तो इन्होंने अपना नाम आदि द्राविदास रखा था sri rampur a village अपने ऐसे में और और and his और तो caste class तांजोर डिस्ट्रिक्ट एंड बुक कास्ट क्लास एंड पावर तो कास्ट क्लास एंड पावर इम्पोर्टेंट नाम है या रखोगे. His approach on study of रखोगे and social structure of Indian society it was influenced by both इन्फ्लुस as well as Weberian point of views। अब हमने वेबर में पढ़ा है वेबर ने हमें ट्रिनेटेरियन अप्रोच दिया था स्टार्टिफिकेशन का कि क्लास के बेसिस पे होती है स्टेटस के बेसिस पे होती है एंड पार्टी जिसमें आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला पार्ट आ जाता है तो इन्होंने भी इसी तीन चीजों के बेसिस पे आपके कास्ट सिस्टम को एनालाइज किया था सिंस इसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन भी इन्होंने इंक्लूड करा था तो बोला जाता है ये मार्क्स से भी इन्फ्लुएंस ना आपके वेबर से भी वाइल ग्री एंड क्या किया था वो सिर्फ कल्चरल फोकस करते थे इंडियन सोसाइटी और उन्होंने की थी जो मोर कॉम्प्रेंसिव अप्रोच थी वेबर की दैट इज ये ट्रिनेटेरियन अप्रोच वो हमने पार्ट ए में डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू हिम अलॉन्ग विद कास्ट दैट इज सोशल स्टेटस डायमेंशन वन शुड ऑल्सो स्टडी क्लास इकोनॉमिक डायमेंशन पावर पोलिटिकल डायमेंशन एज वेल तो हमें कास्ट के साथ साथ स्टेटस क्लास और पावर तीनों चीजों को स्टडी करना चाहिए इन द पास्ट वेल्थ एंड पावर इज यूज टू इज यूज टू बी इन कंफर्मिटी विद हर आर की लेकिन अब इन चीजों से डिसोसिएशन dissoci, हो रही है कास्ट क्लास एंड पावर की पहले क्या होता था आपके जैसे कास्ट क्लास नेक्सेस में हम देखते थे या कास्ट क्लास जो थे ये इंटरट्वाइंड होते थे आपके जो हाई कास्ट होते थे वही आपके हाई क्लास भी होते थे और वो चीज़ कैसे रिलेटेड थी हाई क्लास आपके होते थे जिनके पास लैंड ज्यादा होती थी ठीक है वो लैंड किन के, के पास होती थी जो आपके हाई कास्ट के लोग थे तो ये चीजें आपस में सारी रिलेटेड थी लेकिन वे टाइम क्या हो गया जिनके पास लैंड्स जो ओन करते थे वो लैंड्स को सेल करने लगे तो लैंड एज अ कमोडिटी मार्केट में आ गई तो वो लैंड जो है वो लोग बाकी खरीदने भी लगे तो बाइंग एंड सेलिंग हो गई इस चीज की तो अब लैंड उतना प्रेशस नहीं रहा अब ये नहीं था जिसके पास ज्यादा लैंड है वही हाई क्लास का है और वो हाई कास्ट का ही होगा क्योंकि एक दूसरी कास्ट का बंदा भी वो लैंड खरीद सकता था ठीक है तो ये सारे डायनेमिक्स जो है आपको कास्ट में आगे जाके देखने को मिले अकॉर्डिंग टू हिम न्यू क्लास स्ट्रक्चर लैंड होल्डिंग पैटर्न एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इकनॉमिक भी अकॉर्डिंगली आ गई अर्लियर जो ब्राह्मण थे वो सबसे ज्यादा क्लास थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा लैंड जो थी विलेज में वो उनके पास थी लेकिन ग्रेजुअली जो लैंड है इट केम इन देंड ऑफ नॉन ब्राह्मन ऑल्सो क्योंकि जो लैंड है वो इवेंचुअली क्या बन गया एक कमोडिटी बन के वो मार्केट में आ गई एंड इसकी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा डिफरेंशियल पावर स्ट्रक्चर्स है विलेजेस में जो इंडिपेंडेंट होते हैं आपके क्लास एंड आपके कास्ट से दैट मींस ये नोशन की जो ब्राह्मण सुपीरियर कास्ट है तो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होगा ये सही नहीं है क्योंकि जो विलेज उन्होंने स्टडी किया वहां नॉन ब्राह्मण के पास भी डोमिनेटेड पोजिशन जो थी वो रखते थे लोकल पंचायत में तो इंडिपेंडेंस के बाद जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि आप वोट करोगे पोलिटिकल पावर जो हैज बिकम मोर वाइड स्प्रेड एंड विलेज सोशल स्पेस हैज बिकम मोर कॉम्पिटेटिव तो हर कोई फाइट

वही ने कहा था कि विद इन द विलेज लैंड ऑल्सो बिकेम केम इन टू द मार्केट जैसे मैंने आपको बोला वो एक कमोडिटी बन गई इन सब चीजों की वजह से जो पावर स्ट्रक्चर है विलेज में वो भी चेंज होने लगा कास्ट वॉज नो लॉन्गर द ओनली दिटर्मिनट ऑफ स्टेटस एंड पावर अकॉर्डिंग टू ऑंद्रपित शिफ्ट जो हुआ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से ऑल्सो इम्पेक्ट द सोशल स्टैंडिंग ऑफ कास्ट ग्रुप्स क्योंकि लोग अब माइग्रेट करने लगे और लैंड से खुद को एसोसिएट नहीं करते थे तो वो डिफरेंट जॉब्स जो है वो करने लगे ठीक है अब जहां ब्राह्मण जॉब कर रहे हैं वहां पे लो कास्ट वाले सो कॉल लो कास्ट भी जॉब कर रहे हैं तो वैसे सेटिंग में जो इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट की है इस फील्ड में वो भी कम होना शुरू हो गई दिस ऑल्सो इंपैक्टेड रिलेशन ऑफ ब्राह्मण अदर कास्ट जो बेटे का, का इंडियन सोसाइटी का नॉट ओनली टेक्स इंस्पिशन फ्रॉम वेबेन थियोरटिकल फ्रेमवर्क बट ऑल्सो डायवर्जेज फ्रॉम इट अब वो कहाँ डायवर्ज करता है फॉर एग्जाम्पल वेबर ने कहा सोशल बेहेवियर को इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी सोशल एक्शन एंड टूल्स लाइक आइडियल टाइप वर्ड टेन ये वाली बातें की ये हमने सारी डिस्कस करी है ऑलरेडी लेकिन बेटे ने यूज एन एम्पेरिकल अप्रोच बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विच वॉज पार्टली इन्फ्लुंस बाई मार्क्स थाट्स ऑल्सो ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा डायवर्जेंस हुई क्योंकि उन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की लेकिन वेबर ने क्या कहा था मीनिंग समझा

बिटवीन डिफरेंट सब कास्ट विद इन अ कास्ट बिटवीन लैंड ओनिंग एंड लैंडलेस कास्ट तो हर कास्ट और उसका जो सेगमेंट है उसका जो डिविजन है हमें उनके बीच का रिलेशन जो है वो स्टडी करना चाहिए बिटवीन जजमान एंड कामीन एंड ऑल तो उन्हें अगर हम इस चीज से स्टडी करेंगे हमें समझ में आएगा कास्ट सिस्टम कैसे यूनिफॉर्म नहीं है और क्या चेंजेस इसमें आ रही है श्रीपुरम विलेज में ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्राह्मण दैट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर कास्ट लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी जैसे आपके आदि द्राविदास हैं दे ऑल्सो अवॉइड मिक्सिंग विद ब्राह्मण तो वो भी एक बाउंड्री जो है अपनी वो मेंटेन रखते थे उनको लगता था अगर वो मिक्स करेंगे ब्राह्मण्स के साथ तो वो उनके लिए मिस फॉर्च्यून लेके आएगा ठीक है तो ये जो बाउंड्री मेंटेनेंस थी वो सिर्फ ब्राह्मण्स की तरफ से नहीं थी वो सो कॉल्ड डिप्रेस क्लासेस की तरफ से भी थी फर्दर ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण जो थे वो कंपीट करते थे इकोनॉमिक फील्ड में भी एक दूसरे से ठीक है दस हिस्स पॉस्टुलर्स एंड ऑब्जर्वेशन रिजेक्टेड द व्यू ऑफ गो योर डुमो एंड अदर्स जिन्होंने कहा कास्ट एक यूनिफॉर्म फिनोमिना है और जो ब्राह्मणस है वो रिचुअली सुपीर कास्ट है और ऐसा हमेशा ही रहेगा कि इम्प्लसिड है उनमें इम्प्लिसिड सुपीरियोरिटी है ब्राह्मण में कि ब्राह्मण हमेशा से सुपेरियर रहे हैं और आगे भी सुपेर रहेंगे उस मिथ को इन्होंने ब्रेक किया एजुकेशन वाली बात बता के एंड पावर वाली बात बता के एंड ये बोल के कि लैंड कैसे जो है मार्केट में आ गई और जो हाई क्लास वही होगा जिसके पास लैंड ज्यादा होगी एंड आपके हाई कास्ट का ही इंसान होंगे वो लोग होंगे वो चीज को इन्होंने उस मिथ को इन्होंने ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू हिम जो लोअर कास्ट एंड देवर इक्वली कंसर्न अबाउट बाउंड्री मेंटेनेंस एंड वर लेस लेस कीन कीन ऑन की ठीक है less keen, less keen ये भी क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू बेटे जो कंटेम्प्ररी इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन कास्ट क्लास एंड पावर इट वॉज नॉट अ हारमोनियस वन एज इट वॉज बिफोर ठीक है अभी हारमोनियस तो नहीं था जो चेंज डायनामिक्स है इज़ एंट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेकुलराइजेशन ऑक्युपेशन माइग्रेशन पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी लेकिन इन चेंजेस के बावजूद

अकॉर्डिंग टू हिम जो इंडिया हैज नॉट हैज गॉन ओनली फॉर सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन एंड नॉट फॉर कम्पलीट मॉडर्नाइजेशन तो मॉडर्नाइजेशन किसी किसी एरिया में हुई है लेकिन वो सिलेक्टिव है कम्पलीट मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है कास्ट डायमेंशन जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो so, यहाँ पे कंटिन्यूटी वाला थोड़ा उनका पार्ट भी है जो एग्जाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है ये समझना एट द सेम टाइम इट हैजल्सो नॉट रिमेन टोटली ट्रेडिशनल तो इट इज समेयर इन बिटवीन मॉडर्नाइजेशन हो गई लेकिन सिलेक्टिव हुई है ना ही कम्पलीट मॉडर्न है और ना ही कम्पलीट ट्रेडिशनल है ऑन थ्री पे ऑब्जर्व दै जो पावर हैल पार्टीज तो जो कास्ट डायमेंशन रिलेटेड पावर है अब चाहे हाई कास्ट के पास ना हो लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये पावर्स ये पावर स्ट्रक्चर अभी भी प्रेजेंट है अब वो पावर्स कहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया है पंचायत में आपको देखने को मिलेगा पावरफुल ठीक है पावर फुल कैसे लोगों के लोगों के पास किन लोगों के पास पावर होता है पावर स्ट्रक्चर को मिलते हैं कास्ट है बेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन अमंग मेनी अदर बेसिस अमंग मैनी अदर बेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन ठीक है तो ये भी एक बेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन बन गया है लेकिन आप सोसाइटी को एजुकेशन या उनके इकोनॉमी बेसिस पे पावर बेसिस पे भी स्टार्टिफाई कर सकते हो बेसिकली अगर इन टर्म्स ऑफ लेबर बोलें तो क्लास स्टेटस एंड पार्टी के बेस पे भी आप इनको स्टर्टिफाई कर सकते हो तो अगर सर्टिफिकेशन कास्ट सिस्टम का आता है इंडियन सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में तो आप आंध्र का उसमें आराम से ट्रिनेटेरियन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ये आप देख लेना ये वही सारी चीजें हैं जो हमने टॉपिक में पढ़ी हैं कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना मैं कॉमेंट्स में बताऊंगी आपको फिर जो बेटेज एनालिसिस था इंडियन रूरल लाइफ का इट इज यूजफुल इन शोइंग दैट द एम्पेरिकल रियलिटी ऑफ कास्ट है ये रिमार्केबली डिफरेंट है फ्रॉम द कल्चरल आइडियल टाइप ऑफ कास्ट से ठीक है तो इस बात पे इन्होंने किसको कॉल आउट किया था लुई डिमो को भी कि जो एम्पेरिकल रियलिटी है कास्ट की उस पर ध्यान दो और वो जो कल्चरल आइडियल टिपिकल होता है जो टेक्सचुअल व्यू है कास्ट सिस्टम की वो उससे अलग होती है उन्होंने चैलेंज किया था यूनिफॉर्म फोर फाइव फोर और फाइव फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट को दैट इज योर जो आपका वर्न फ्रेमवर्क है उसको भी चैलेंज किया था उन्होंने कहा जो ब्राह्मण्स है कैन बी रिगार्ड एज अ यूनिटी ओनली इन रिलेशन टू नॉन ब्राह्मण एंड आदि द्रावेदास इंटरनली ब्राह्मण्स के अंदर भी काफी आपको कास्ट एंड सबकास्ट देखने को मिलेंगे जो मल्टी डायमेंशनल पर्पेक्टिव है बेटा का गिव अस ए मच मोर प्रेगमैटिक व्यू ऑफ रूरल इंडियन सोसाइटी एज ए होल एंड ऑफ कास्ट इन पर्टिकुलर इन रिलेशन टू दी अदर सोशल डायमेंशन ठीक है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा उनका यूनियन नहीं मल्टी डायमेंशनल व्यू था उन्हें काफी अलग अलग एंगल से कास्ट सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश की थी फॉर एग्जाम्पल उन्हें कंक्लूड किया था जो किनशिप है ये भी रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनिंग द इकोनॉमिक एंड द सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स एज इंडिविजुअल्स चूज द ऑक्यूपेशन ऑफ दिय पेरेंट्स ठीक है तो किनशिप है वो भी डिटर्मिन करेगा आपका स्टेटस सिर्फ कास्ट ही डिटर्मिन नहीं करती है ठीक है दिस इन्फ्लुएंस ऑफ किनशिप इज एविडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक इंडस्ट्री सिनेमा पॉलिटिक्स एंड सो ऑन तो अगर आपको जैसे कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस मिलेगी तो वहाँ पे आप किनशिप ये वाली चीजें लिख सकते हो तो कैसे ये अभी भी रोल प्ले करता है इन डिटर्मिनंग इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ये आंध्र ने तब की बात कीज ऑल्सो रेलिवेंट टिल टूडे

ठीक है जैसे लैंड एसोसिएट हो गया पावर डिफेंशियल आ गए उसमें एजुकेशन की वजह से चेंजेस आना शुरू हो गई तो ये सारी चीजें बताते हैं कास्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव है और स्टीरोटिपिकल अप्रोच नहीं लेता स्टीरोटिपिकल क्या होता है जैसे लुई डोमो ने किया था एक स्टीरोटिपिकल इमेज जनरेट की थी कि हाँ चार डिविजन हैं वो बेस्ड है आपके प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे इवन जे एस गुरे ने भी ऐसी ही बात की थी कि हाँ इतने सारे डिविजन्स हैं ब्राह्मण की सुपिरियोरिटी है और ये सारा आपको रीचली जो है वो दिया गया है

ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इंटू अ नॉन ब्राह्मण डोमिनेटेड विलेज ठीक है तो इन्हें क्या कहा था चेंजेस कैसे इन्होंने बताई थी कि चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में जैसे इन्होंने सिरिपुरम को स्टडी करा था वहां पर उन्हें कहा था ब्राह्मण डोमिनेटेड जो है उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और वो इवेंचुअली नॉन ब्राह्मण डोमिनेटेड स्टेट जो है विलेज जो है आपका वो बन गया था लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनका नैरो इंपेरिसिज्म है इन्होंने बस साउथ इंडिया के एक विलेज को स्टडी किया और उसी बेसिस पे इन्होंने पूरे कास्ट सिस्टम को एक जनरल एक्सप्लेनेशन कास्ट सिस्टम की आपके सामने रखी तो इस बात पे इन पे क्वेश्चन पुट किया जाता है और इनको क्रिटिसाइज किया जाता है और ऑल्सो also...